The question is, the annual profits earned by 30 shops of a shopping complex in a locality give rise to the following distribution. Profit de rakha hai mein in lakhs and number of shops hai, more than or equal to 5 se lekar ke up to 35 tak hai, and number of shops hame 30, 28, 16, 14, 10, 7, 3 given hai. Right? Draw both ogives for the data above, hence obtain the median profit. Hame median bhi find karna hai. Dono jo ogive hai means less than type and more than type dono draw karke then hame median batana hai. Ab yahan par jo hame table given hai wo more than type ki already hame de rakhi hai. ठीक है, तो मोर देन टाइप के लिए हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके लिए ग्राफ हमारा ड्रॉ करना इजी होगा, पॉलीगन ड्रॉ करना. बट जो लेस देन टाइप है उसके लिए हमें चाहिए उसकी टेबल. तो अब क्या करना है, हमें मोर देन से लेस देन की टेबल बनानी है. तो अब मोर देन से आप डायरेक्टली लेस देन की टेबल नहीं बना सकते हो, पहले आपको जो क्लास इंटरवल की फॉर्म है वो लेके आनी होगी, देन उसके बाद हम लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे. अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वही सोचते हैं कि ये मोर देन टाइप की है और लेस देन टाइप में इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, जो इसी फ्रिक्वेंसी को हम रिवर्स ऑर्डर में 3, 7, 10, 14 लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. बट वो बिल्कुल गलत होगा. आप कभी भी मोर देन टाइप टेबल से डायरेक्टली लेस देन टाइप पे नहीं आओगे और आ ही नहीं सकते. जो सोचते हैं वो गलत है. ठीक है, तो अभी आपको पहले क्या करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है हमारी क्लास इंटरवल वाली फॉर्म में. ठीक है, तो जो फ्रिक्वेंसी टेबल है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो पहले हम बनाएंगे. अभी ये फ्रिक्वेंसी, ये जो गिवन है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मोर देन टाइप. तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो हमें कैसे बनाना है, क्लास इंटरवल हमें क्या लेने हैं और फ्रिक्वेंसी क्या बनेगी वो हमें ध्यान से देखना है यहाँ पर. अब देखो जो पहला लिखा है इसने वो क्या लिखा है, मोर देन और इक्वल टू 5, राइट. मोर देन और इक्वल टू 5 से फिर नेक्स्ट है मोर देन इक्वल टू 10, मीन्स 5 से 10 की हमारी पहली क्लास आनी है. अब मोर देन 5 से ही स्टार्ट है तो हमें 0 से लेने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन 5 से स्टार्ट है तो हम 5 से ही स्टार्ट करेंगे. और इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर क्लास इंटरवल 5 टू 10 बनाएंगे तो जो 5 है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है. नॉर्मली क्या होता है कि जब हम क्लास इंटरवल वाली फॉर्म में गिवन होती है तो उसमें लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है और अपर लिमिट उसमें एक्सक्लूडेड होती है. यानी कि जब नेक्स्ट क्लास 10 टू 15 होगी तो 10 यहाँ इंक्लूड नहीं है, 10 हमारा नेक्स्ट वाली क्लास में इंक्लूडेड होगा, राइट. तो इसलिए इसने यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो मीन्स ये लोअर लिमिट बनेगी हमारी क्लास की. ठीक है, सो 5 टू 10 पहली क्लास हमारी यही है. देखो 5 का गैप चल रहा है, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, तो मीन्स जो हमारा क्लास साइज है वो हमारा 5 का चल रहा है, 5 यूनिट्स का चल रहा है, राइट. तो अब मोर देन और इक्वल टू 5 से स्टार्ट है तो आपको 0 से 5 लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 5 से ही लेंगे. तो सो 5 टू 10 नेक्स्ट क्लास हमारी क्या बन जाएगी, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35. देखो भैया मोर देन 35 भी है तो 35 टू 40 की क्लास भी हम बनाएंगे, राइट. तो अब देखो फ्रिक्वेंसी कैसे लिखनी है. अब मोर देन 5 तो सारी की सारी शॉप, यानी कि 30 शॉप्स थी हमारे पास ये, तो मोर देन 5 लाख सबका प्रॉफिट है, तो ये सारी यहाँ पर है. लेकिन अब मुझे चाहिए ऐसी शॉप्स, नंबर ऑफ शॉप्स जिनका प्रॉफिट जो है वो 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बिटवीन हो. अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो क्या है कि जिनका प्रॉफिट मोर देन 10 लाख है, मोर देन 10 लाख हैं 28 शॉप्स. अब मोर देन 5 थी 30 शॉप्स, मोर देन 10 जिनका 10 लाख से ज़्यादा है वो हो गई 28. तो मीन्स जो बीच में दो शॉप गई, 30 माइनस 28, टू शॉप्स जो रह गई वो कहाँ गई, वो थी ऐसी शॉप्स जिनका प्रॉफिट लेस देन 10 था. ठीक है, मोर देन 10 में 28 है लेकिन जिनका प्रॉफिट 5 से 10 के बिटवीन था वो थी ये टू शॉप्स. तो आपको क्या करना है, पहली ही फ्रिक्वेंसी में जब 5 टू 10 फाइंड कर रहे हो तो आप पहले ही माइनस करके लिखोगे. 30 जो है सबका सम है, 30 में से 28 माइनस करके ही आप यहाँ लिखोगे, राइट. आपको पहली फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ नहीं लिखनी है. 5 टू 10 30 की 30 शॉप्स नहीं आ सकती है उसमें. ठीक है, तो यहाँ पर पहली फ्रिक्वेंसी हमने लिख ली 30 माइनस 28. अब 10 टू 15 के लिए क्या करोगे, नेक्स्ट सेम प्रोसीजर. 28 शॉप्स थी मोर देन 10 के लिए और मोर देन 15 के लिए हैं 16 शॉप्स. तो 10 और 15 के बिटवीन में क्या होगा, जो 28 और 16 का डिफरेंस है. तो अब नेक्स्ट जो है 28 में से उससे नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी आप माइनस करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.
राइट। अब उससे नेक्स्ट के लिए क्या करोगे, हमने अभी 28 माइनस 16 किया, नेक्स्ट के लिए 16 माइनस 14, तो 16 माइनस 14 भी हमारे पास 2 होंगी, नेक्स्ट 14 माइनस 10 4, फिर नेक्स्ट हमारे पास 10 माइनस 7 दैट इज 3, फिर नेक्स्ट 7 माइनस 3 दैट इज 4, और जैसे 3 है, 3 के बाद तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो उसके आगे हम कंसिडर करेंगे 0, राइट। तो 3 माइनस 0 आपका कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, तो जो लास्ट फ्रिक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, ठीक है। ये 35 से मोर देन 35 3 है, मोर देन 35 3 है, ये लास्ट आपका सेम आएगा। तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। अब इसकी हेल्प से हम बना लेंगे लेस देन टाइप, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन टाइप हमें पता है कि वहाँ पर सी एफ होती है, तो अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं प्रॉफिट, जो कि लैक्स में चल रहा है, राइट। और यहाँ आगे हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ शॉप्स। तो सबसे पहली क्लास अब क्या बनाओगे, अब देखो इसको मत देखो, जो मोर देन टाइप है, आप जो फ्रिक्वेंसी टेबल है वहाँ पे आ जाओ। तो अब लेस देन फाइव अगर आप लोगे, तो फाइव से पहले तो कुछ भी नहीं है, पहली क्लास ही हमारी फाइव टू टेन है, तो लेस देन टेन आपको लिखना है। अगर लेस देन फाइव लिखोगे तो वो फ्रिक्वेंसी जीरो आएगी वहाँ पर, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, ऐसी शॉप्स ही नहीं जिनका प्रॉफिट लेस देन फाइव हो, ठीक है। सो पहली क्लास यहाँ लेस देन टेन से ही स्टार्ट करेंगे हम, तो ऐसी शॉप्स जिनका प्रॉफिट लेस देन 10 लैक्स है वो कितनी है, लेस देन 10 लैक, देखो 2 है हमारी, तो ये सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पर हमें सी एफ निकालने जो नॉर्मल हम निकालते हैं। लेस देन 15, लेस देन 15 कितनी हो जाएंगी, 12 प्लस 2 14। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा लेस देन 20, लेस देन 20 में 14 प्लस 2 16। लेस देन 25, इस 16 में हमें नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 4 ऐड कर देनी है, 20। लेस देन 30 में क्या होगा, इस 20 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 3 है, तो 3 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 23। लेस देन 35, तो 23 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाएगी, दैट इज 4, तो 27 हो गया। इसमें आपको लेस देन 40 भी लिखना है, क्योंकि आप 35 से 40 के बिटवीन जो आ रही है वो लेस देन 40 में आएंगी, तो लेस देन 40 में क्या होगा, 27 प्लस ये लास्ट फ्रिक्वेंसी थी हमारी 3, तो 30। तो देखो इनका जो सम है सेम आ गया हमारा, 30 शॉप्स थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास 30 आ चुका है। तो इस टाइप से पहले आपको टेबल्स बना लेनी है, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे इनके ऑब्जेक्ट्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम ले लेते हैं, और हमें इसमें किंक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो फ्रिक्वेंसी वो 5 10 ये गैप में चल रही है। तो यहाँ आ गया हमारा प्रॉफिट इन लैक्स, नंबर ऑफ शॉप्स हमारे पास 30 हैं, तो यहाँ पर भी आप 5 5 का गैप ले सकते हो, राइट। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ शॉप्स, राइट। तो अब देखो, तो जो हमारी पहले वाली टेबल थी, इसमें इसके अलावा हमें स्केल भी लिखना है, तो स्केल में क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर हमारे पास है 5 लैक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पे हमारे पास है नंबर ऑफ शॉप्स, 5 शॉप्स हैं वो भी 1 यूनिट पर या 1 बॉक्स पे 1 सेंटीमीटर पे, राइट। सेंटीमीटर लिख ही लीजिए। तो अब देखो हमें बनाना है ऑब्जेक्ट, तो जो पहले ही हमारी टेबल थी वो हमारे पास क्या है, मोर देन टाइप की टेबल हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो लेस देन टाइप का हम बना रहे हैं पहले। तो लेस देन टाइप के लिए देखो क्या है, 10 पे था हमारे पास 2, 10 पे है हमारे पास 2,
15 पे है, 14, 14 कुछ अप्रोक्स यहाँ आएगा। 20 पे है हमारा 16, 25, 25 पे है हमारा 20, 20 शॉप्स थी। 25 के बाद 30 पे है 23 अप्रोक्स यहाँ। 35 पे है 27। आप इसे ग्राफ पेपर पे जब ड्रॉ करोगे तो आपको एक्यूरेट पॉइंट मिलेंगे। 40 पे 30। तो फ्री हैंड इसे हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी बन गई है लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसके बाद हमें बनानी है मोर देन टाइप। मोर देन टाइप के लिए देखो हमारे पास क्या था, मोर देन और इक्वल टू 5 के लिए था 30। अब 5 के लिए है, 5 पे है 30 ये, राइट। फिर 10 पे है 28, 10 पे है हमारा ये 28। फिर हमारे पास है 16, 15 पे था हमारा 16, तो 15 पे 16 हमारा यहाँ आ जाएगा। 20 पे है हमारा 14, वो कुछ यहाँ आ जाएगा। 25 पे है 10, 30 पे है 7 और 35 पे है 3, राइट। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास फ्री हैंड जब ड्रॉ करेंगे तो ये एक कर्व आ जाएगी। तो ये बन गया हमारी मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट। तो अब देखो इसमें हमें मीडियन भी फाइंड करना था। तो मीडियन कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑन एक्स एक्सिस। आप डॉटेड लाइन भी डाल सकते हो और अगर आपको स्ट्रेट लाइन डालनी है तो भी ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, तो जिस पॉइंट पर आकर के एक्स एक्सिस को मिल रहा है वही हमारा मीडियन होता है, राइट। तो जैसे यहाँ से हम वैल्यू जो है एस्टिमेट लगा पा रहे हैं, तो ये क्या वैल्यू बन रही है, 17.5 बन रही है, 17.5 लैक्स, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे भी आपको ऐसे एक्यूरेट ही मिल जाएगा ऑलमोस्ट। तो अगर हमने वो भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं सही से ड्रॉ किए हैं तो सही पॉइंट मिलेगा, राइट। तो इस टाइप से इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद देखो ग्राफ पेपर पे ये कुछ ऐसा आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर भी देखो नंबर ऑफ शॉप्स, प्रॉफिट, सब कुछ ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पे ये मिल रहे थे उसी से हमने यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारे मीडियन का पॉइंट आ जाता है, राइट। तो इस टाइप से इसे हमें ड्रॉ करना है। थैंक यू।